सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो और नमस्ते दोस्तों, आज सभी का हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं, मेरे को ये बोल रहे हैं कि सर एग्ज़ाम ऑनलाइन करवाने के लिए सर क्या हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर हम एग्ज़ाम ऑनलाइन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल कर देते, जैसे लास्ट ईयर के बच्चों ने CBSE एग्ज़ाम कैंसिल करवाने के लिए PIL फाइल करी थी। तो गाइस देखो, मैं आप सभी को इतना कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में अभी PIL फाइल नहीं होगी, क्योंकि अभी तक डेट शीट जारी नहीं हुई है, ना ही CBSE ने अभी तक ये बताया कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। आप कर सकते हो, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट इसलिए नहीं है क्योंकि CBSE टर्म 1 और टर्म 2 दो ले रहा है, ठीक है, और ना ही CBSE ने अभी तक कुछ कंफर्मेशन दिया है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे, मतलब पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे और आपको कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन पे जो CBSE को सही डिसीजन लगेगा, CBSE को जो सही डिसीजन लगेगा वही CBSE लेगा। तो सुप्रीम कोर्ट वाला मेरे को लगता है कि आइडिया उतना सही नहीं है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, आप सभी को एक ही बात बोलूँगा, आप ऑनलाइन ऑफलाइन पे जितना आप लोग टेंशन में हो उससे ज़्यादा मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा। डेली मैं अपनी तरफ से जो PM ऑफ इंडिया वेबसाइट है उनकी, PM की, उधर आपके बिहाफ पे मैंने लेटर भी लिखा है और मेल भी करी है। CBSE को मैंने अपने सजेशन की मेल करी है और भी मैंने काफ़ी सारे आपके लिए कर रहा हूँ कोशिश। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि चांस हाई है ऑनलाइन के, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप लोग अपनी तरफ से तैयारी रखो पूरी, जो भी होगा अपने एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखेंगे। मैं भी अपना बेस्ट दे रहा हूँ, आप भी बेस्ट दो, और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन ऑफलाइन पे, मैं टेंशन ले रहा हूँ। तो अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज ही गए प्रो, सेफ रहो।